आपको जंग की इत्तला कब मिली? जंग की इत्तला तो एक आग की माने थी जी, ऐसे फैली और मेरा ख्याल है कि 10 मिनट में सारे मुल्क में पता लग गया। कहाँ थी आप उस वक्त? मैं अपने घर में। अच्छा। यही लाहौर में थी जी, जी। सिर्फ इतना हुआ कि जब ये बात फैली है तो मेरे घर में 15 मिनट के बाद कोई भी आदमी नहीं था। अच्छा। ना बैरा, ना खान सामा, ना मेरे उस्ताद साहब मेरे पास रहते थे, मामा नौकर सारे भाग गए। मैंने कहा अच्छा बड़ा सा ट्रक मंगवाओ, थोड़ा सा सामान रखो, बच्चों को लेके चली जाऊं। अभी मैं सोच ही रही थी कि मेरे रिश्ते में भी भाई हैं हसन लतीफ साहब, वो आ गए इत्तेफाक से, तो कहते अरे अरे ये क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, ट्रक व्रक का कोई इंतजाम कर रही। मैंने कहा भैया मैं क्या करूँ, तना हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको लेके कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। बेटा बॉक्स वैगन में बैठो, चलो रेडियो स्टेशन चलते हैं। मैंने टेलीफोन किया, मैंने कहा जी मैं नूर जहाँ बोल रही हूँ और आप मुझे कहिए तो मैं आऊँ। उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिया। फिर मैंने दोबारा किया, मैंने कहा जी क्या बात है, मैं नूर जहाँ बोल रही हूँ, मैं आपके आना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। वो कहे वो बीबी तो कभी प्रोग्राम नहीं मानती, ये देखो क्या मगज खाने को ये लड़की हमें तंग कर रही। फिर मैंने कहा ये कितनी, मैंने कहा जी मैं खुदा की कसम नूर जहाँ बोल रही हूँ और मैं अपने वतन के तराने गाना चाहती हूँ। कहते बीबी देख तेरी बड़ी इज्जत की थी, हूं तू कड़ी कड़ी फोन ना करी। मैंने हसन भाई ने कहा बेटे ऐसा काम नहीं चलेगा, चलो हम खुद जाए। फिर जी मैं भाई को लेके वहां चली गई। आप यकीन जाने कि अल्लाह का बड़ा करम है, जिस पे उसका करम है उसी की इज्जत होती। चौथा पांचवा दिन था और बहुत जोश में मेरे गाने हो रहे थे और मुझे कहा गया लो भाई वो एक तो वो क्या शुरू हो गया तुम्हारे नाम पे नूरजहां करके फौजी शुरू हो गए आने, बड़ी मुझे कहा जाए। मैंने गाना गाया तो वहां रिकॉर्ड कराया, जब मैंने आके शाम को सुना 6-7 बजे तो टेप मेरी खराब हो गई। अब उस दिन के लिए मेरे पास कोई नया तराना नहीं था, तो उन्होंने कहा देखिए आपको आपके बच्चे इतना प्यार करते हैं, फौजी खुद छोड़ने जाते हैं, तो आप क्यों नहीं इसको लाइव गाती। मैंने कहा मैंने तो गाना है लाइव, क्योंकि आज मैं नहीं चाहती कि मेरा नागा हो, मैं गाना चाहती हूँ फौजी भाइयों के लिए। तो मैंने उस वक्त, मुझे वो दिन नहीं भूलता, पहले तो हमारी टेप रिकॉर्डेड चल जाती थी, जब मुझे माइक पे उन्होंने बिठा दिया तो अब मैं उनसे ऐसा हुआ कि जैसे मैं खुद गुफ्तगू कर रही हूँ। एक तो बराह रास्त हो गया ना कि मैं उनसे बातें कर रही हूँ। अब मैंने उनसे कहा कि आज मैं आपके लिए खुद गा रही हूँ क्योंकि टेप खराब हो गई है, जो जो चलते थे गाने और ये गाना खराब हो गया, इसकी वजह से आज मैं खुद आपके सामने गाऊंगी। जब मेरा गाना शुरू हुआ है पुत्र हटाते ये था मेरे ढोल सिपाही आतन रब दिया रखा, तो वो बजाए जा रहे और मेरे आंसू नहीं रुकते थे, हिचकी मेरी बंद गई और 4 मिनट यही मेरे रोने की हिचकी यही रिकॉर्ड होती रही। और क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा समा था, इसमें कोई बनावट नहीं देखी, जो भी जिन्होंने खिदमत की है बड़े नेक दिली से की है, समा ऐसा बंद गया और वो यूं मुझे लगा जैसे मैं ट्रेंचेस में बैठे हुए जो मेरे फौजी बेटे बच्चे लड़ रहे हैं मैं उनके पास खड़ी भी उनको सुना रही हूँ। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे, मेरी छोटी उम्र में अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए, अकबर हुसैन रिजवी और असगर। मेरा ख्याल है एक माँ का जज्बा जो है ना वो अच्छी तरह महसूस कर सकता है कि वो माँ के बेटों का क्या हाल है जो इस वक्त ट्रेंचेज में है।